यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर, मटेरियल कॉस्ट। चलो, चैप्टर का नाम क्या है? बुक में देखोगे मेरे तो प्रैक्टिकल चैप्टर जो है ना उसका पहला ही चैप्टर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। वेटेज जो है चैप्टर का दैट इज 5 to 10 marks, 5 to 10 marks। 5 marks में भी क्वेश्चन आता है, कई बार 1 नंबर में आया तो 5 marks में आएगा, ठीक है, या फिर कई बार 10 marks में भी क्वेश्चन आता है। ज्यादातर कितने मार्क्स में आया? 5 marks में। क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो काफी आसान क्वेश्चन होता है, सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। चैप्टर का कंटेंट देखो, पहले तो हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट होता क्या है, या फिर कैसे निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट, ठीक, उसके बारे में कुछ बेसिक। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने का, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, इसी पे पूरी चैप्टर है। आप कॉस्टिंग में क्या पढ़ते हो किसी भी चैप्टर में, ताकि कॉस्ट निकालना कि खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करना है, खर्चा निकालना कैसे कि कितना कॉस्ट लगा हमें बनाने में, या फिर कॉस्ट कंट्रोल करने का टेक्निक, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अभी यहां पे देखो, कॉस्ट कंट्रोल करने का जो टेक्निक है उसमें बहुत सारे टेक्निक है जो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किन टेक्निक्स पे आते हैं, तो वैसे 4-5 टेक्निक है जिसपे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। पहला क्या, तो पहला देखेंगे इन्वेंट्री लेवल, इस पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा, ईओक्यू के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। थर्ड, इन्वेंट्री रेशियो पे क्वेश्चन आएगा। चौथा, स्टोर लेजर। देखो, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे परपेचुअल अकाउंट मेंटेन करने का सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे स्टोर लेजर का कॉन्सेप्ट आता है, तो स्टोर लेजर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। एंड अगला है एबीसी एनालिसिस। एग्जामिनेशन में ये पांचों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। एक एबीसी था जिसपे क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो पिछले से पिछले अटेम्प्ट में इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया। ये काफी स्मॉल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो लगता नहीं था कि कभी क्वेश्चन पूछेगा, लगता था हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, बट इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतने पे खत्म हो जाएगा, बट चैप्टर में से कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। थ्योरी क्वेश्चन में क्या आएगा, अदर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के और सारे टेक्निक, इनको छोड़ के और भी टेक्निक हैं, जैसे जस्ट इन टाइम पढ़ेंगे, टू बिन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्डर साइकिलिंग पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, वेड एनालिसिस पढ़ेंगे, तो इन सब पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सब पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, इन पे क्या आएगा, थ्योरी क्वेश्चन। और जो दूसरा थ्योरी क्वेश्चन बनता है यहां से नहीं आएगा, वो कहां से आएगा, मटेरियल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस,
कि मटेरियल डिफेक्टिव हो गया या स्क्रैप हो गया, वेस्टेज हो गया, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बट हम फिलहाल प्रैक्टिकल से ये चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से थ्योरी भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल तो यहीं से आते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं मैं आज का अपना टारगेट। चलो, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल का मतलब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो किसी भी फिनिश गुड्स को जो हम बना रहे हैं उसमें जो फिजिकल कंपोनेंट लगा है, टेंजिबल आइटम लगा है, दैट इज मटेरियल। अगर आप स्पेन की बात करें तो स्पेन में क्या लगा होगा? प्लास्टिक लगा हुआ है कि नहीं? तो ये एक मटेरियल है कि नहीं? सिमिलरली अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप में क्या लगा है? लैपटॉप में बहुत सारे चिप वगैरह, कंपोनेंट वगैरह लगाए, सारे क्या है? मटेरियल है, टेंजिबल आइटम है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। किसी भी फिनिश गुड्स का जो अस्तित्व है ना, जो ढांचा है, जो बन के आया है, दैट इज मटेरियल। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बनती है, मान लो प्रोडक्ट ए मान लेते हैं, इसमें मटेरियल लगा होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर बिस्किट की बात करें तो क्या लगेगा मटेरियल के नाम पे? मैदा लगेगा, शुगर लगेगा, फ्लेवरिंग एजेंट लगेगा, यही मटेरियल है कि नहीं? चलो, मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल विथ प्रोडक्ट, विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट, जिसका कॉस्ट सीधा प्रोडक्ट पे चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी, जैसे यहाँ हम बिस्किट का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो बिस्किट में जो मायदा है ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है, जो जिसका कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल जो फिनिश गुड्स है उस पे हम चार्ज कर सकते हैं, पता होता है हमें, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। एक बार इनकर्ड होता है, बहुत सारे मटेरियल पे इनकर्ड होता है और उसके खर्चे को हम बांट देते हैं जितने भी मटेरियल में यूज हुआ होता है, दैट इज इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट देखो एक बार आता होगा और उसी से बहुत सारे बिस्किट बनते होंगे, है कि नहीं? और जो भी उसका खर्चा है सारे बिस्किट पे बांट देते होंगे, तो पर यूनिट बिस्किट पे फ्लेवरिंग एजेंट का कॉस्ट नहीं हमें पता होता है कि नहीं? वो तो थोड़ा सा डालते हैं फ्लेवर देने के लिए, बट वहीं बिस्किट में जो मायदा है ये हमें पता होता है ना, पर पैकेट बिस्किट में कितना मायदा लग रहा है, कितना शुगर लग रहा है, तो दीज आर द डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, चलो सिमिलरली स्पेन को देखो, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ये जो जिस कंपोनेंट से बना है, ये प्लास्टिक से बना है या सिंथेटिक जो भी कंपोनेंट से बना होगा, दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें हो सकता है कुछ ग्लू अलग वगैरह लगा हो, फेविकल लगा हो इसको अटैच करने के लिए, वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। चलो अब देखो, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट के बारे में देखते हैं। तो चले आगे। चलो देखो, अब मटेरियल कॉस्ट जो है ना, अब किसी भी प्रोडक्ट में मटेरियल भी लगा होता है तो मटेरियल का कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे कि प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल का खर्चा डालना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल ये जरूरी है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, वैसे चलो कॉस्ट कंट्रोल के टॉपिक पे आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले मटेरियल का कॉस्ट निकालना सीखते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरी है फैक्ट्री। ओके, ड्राइंग काफी अच्छी नहीं दिख रही है, बट कोई बात नहीं। ये क्या है? टोटल एरिया फैक्ट्री का, जिसमें एक स्टोर डिपार्टमेंट है। स्टोर का क्या है काम? है रॉ मटेरियल, जो भी मटेरियल है जिससे फिनिश गुड्स बनता है उसको स्टोर करना है कि नहीं? मटेरियल जब क्रेडिटर से खरीदा के आता है तो स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर होता है, और यहाँ पे है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर चंपकलाल यहाँ पे है। ठीक है, हम मटेरियल खरीद के लेके आते हैं चंपकलाल जी से,
यहाँ पे और स्टोर में स्टोर करते हैं। मान लो हमने 10 हजार केजी मटेरियल खरीदा एट द रेट ₹10 पर केजी, तो 1 लाख होते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 1 लाख। टोटल कॉस्ट 1 लाख है, अब पर केजी मटेरियल का कॉस्ट है ₹10। बट इसमें और सारे खर्चे नहीं जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ क्या परचेज प्राइस, जिसने मैं खरीद के लाते हैं वही खर्चा लगा होता है एक चीज को खरीदने में, ये दिस इज द परचेज प्राइस। नहीं, क्यों? अब परचेज करोगे, गाड़ी में लोड करा के लाओगे, अपने स्टोर रूम के पास आएगा तो अनलोडिंग होगा, यहाँ पे लोडिंग होगा, यहाँ पे एक ट्रक है, तो बड़े हो गए तो ड्राइंग बहुत खराब हो गई। चलो ये ट्रक यहाँ पे लोड होगा, ट्रक यहाँ आएगा, अनलोडिंग करेगा, लोडिंग कराने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, अनलोडिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा, दो चार इम्प्लॉई वहां पे लेबर लगेंगे, प्लस रास्ते का फ्रेट, ट्रांजिट का इंश्योरेंस, ये सब भी तो खर्चा लगेगा, है कि नहीं? हो सकता है कि उस पर GST हो, तो बाई करेंगे तो GST लगेगा, तो देखेंगे GST का अगर क्रेडिट मिलता है तो हमारा खर्चा नहीं है, नहीं मिलेगा तो वो भी खर्चा है। प्लस परचेज कर रहे हैं, मान लो ₹10 का रेट है, हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया नेगोशिएट करके, तो ये सब चीजों को ध्यान देके आपको मटेरियल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट का मतलब सारे वो खर्चे विच आर इंकर्ड टू ब्रिंग मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन। हमारा प्रेजेंट लोकेशन क्या है? प्रेजेंट लोकेशन मतलब स्टोर। स्टोर तक मटेरियल लाने के लिए जितने भी खर्चे लगते हैं सब मटेरियल कॉस्ट में लेंगे। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा, चलो बताओ। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। पहले तो जितने में हमने खरीदा है परचेज प्राइस वो लिख लेंगे, देखते जाना। अब मान लो परचेज प्राइस जो भी था, हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट घटाना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट, इसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो ये नेट परचेज प्राइस आ गया। अब देखो डिस्काउंट जो होता है ना, नोट्स लिखो नीचे, ठीक है, ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ दो। डिस्काउंट जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट विच आर नेगोशिएटेड एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप खरीद रहे थे उस समय डिस्काउंट जो आपको मिला, नेगोशिएट करके मिला, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, है ना? जनरली आप ज्यादा खरीदोगे तो आप क्या करते हो, सप्लायर से रिक्वेस्ट करते हो डिस्काउंट देने का, तो इसीलिए इसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। ये परचेज प्राइस में से डिडक्ट होता है। क्या होता है? डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट निकालते टाइम इसको घटाते हैं। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट विच इज नेगोशिएटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, परचेज करके ले लिए, बाद में पेमेंट के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर आपने अर्ली पेमेंट किया तो डिस्काउंट मिल गया, दिस इज कैश डिस्काउंट। परचेज करके लाने के बाद जो भी नेगोशिएशन में डिस्काउंट मिलता है वो क्या है? कैश डिस्काउंट। ये क्या होगा? ये हमारा क्या है, डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, है कि नहीं? सॉरी, ये हमें रिसीव हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। डिस्काउंट क्या है? रिसीव्ड। चलो घटा दिया हमने। उसके बाद अगर फॉरेन से परचेज करके ला रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। अच्छा, कोई टैक्स कब जोड़ना है? टैक्स तब जोड़ना है जब सरकार उसकी क्रेडिट आपको नहीं देती। क्रेडिट देने का मतलब है आप पीछे टैक्स पे करके लाते हो, आगे जब सेल करते हो तो उतना टैक्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा उतना टैक्स का बेनिफिट, तो आपके लिए तो खर्चे हुआ नहीं, तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, रिफंडेबल नहीं है, उसके बाद ही जोड़ना है। ठीक है, अगर
नॉन रिफंडेबल बोले तो, नॉन रिफंडेबल या फिर बोले क्रेडिट नॉट अवेलेबल, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तब। अच्छा, एक और टैक्स होता है जो कंट्री के भीतर लगती है, जीएसटी बोले तो, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ना इसको। इसका भी टर्म्स क्या है, सेम जो ऊपर में हमने लिखा था डू, कि नॉन रिफंडेबल जब हुआ तो या फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा बोल दिया, दैट इज द नॉन रिफंडेबल, उसके बाद जोड़ना है। अगला देखो, लोडिंग का खर्चा हो गया, अनलोडिंग का हो गया, फ्रेट हो गया, एक ही मैं लिख देता हूँ, बारी बारी लिख के बड़ा पेज करने की क्या जरूरत है। इंश्योरेंस हो गया, ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, जो भी नाम से खर्चा दे, ऑल अदर कॉस्ट दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन, जहां पे हम स्टोर करते हैं वहां तक लाने में जो भी खर्चा लगेगा सब जोड़ना है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लो, तो छोटा कर दो, थोड़ा नीचे कर लो। टोटल कॉस्ट, ओके। अगर इसको हम यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीजें देखनी है। पहला, टोटल कॉस्ट से रिलेटेड, दूसरा यूनिट से रिलेटेड। टोटल टोटल कॉस्ट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट, कि टोटल कॉस्ट पे क्या क्या लेते हैं क्या क्या नहीं लेते हैं। एक तो देखो डिस्काउंट मैंने बता दिया, दूसरा अगर क्वेश्चन में बोलता है पेनाल्टी पे किया है, डिमरेज चार्जेस जो ट्रांसपोर्टर को डिले करने की वजह से पे करते हैं, ये सब ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता, ये दैट आर नॉट नेसेसरी कॉस्ट टू ब्रिंग मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन, मटेरियल को लोकेशन तक लाने के लिए जरूरत के खर्चे नहीं है ये तो पेनाल्टी हमने इसलिए दिया होगा क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, टर्म्स कुछ और होंगे, कर कुछ और दिया होगा तो पेनाल्टी देना पड़ा होगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अच्छा देखो कई बार कोई मटेरियल होता है ना, वो ऐसा होता है बाय नेचर कि उसको स्पेशल कंटेनर वगैरह में लेके आना होता है। मान लो कोई केमिकल है, आप ऐसे थोड़ी थोड़ी ना लेके आओगे, स्पेशल कंटेनर में। अगर कंटेनर का कुछ कॉस्ट है कि मटेरियल तो 1 लाख में लाया, लाए 1,000 एक्स्ट्रा कंटेनर के लिए पे करना पड़ा, तो क्या कंटेनर के कॉस्ट भी जोड़ेंगे? तो अगर रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल है तब तो ऐड करेंगे ऊपर, यहाँ पे कैसे कॉस्ट निकालते टाइम ये सब जोड़ रहे थे, लोडिंग अनलोडिंग, वैसे ही कॉस्ट ऑफ कंटेनर भी जोड़ोगे। नॉन रिटर्नेबल का मतलब वो जो 1,000 है वो हमारा चला गया, कंटेनर वापस करके पैसे नहीं मिलेंगे। एक होता है रिटर्नेबल, रिटर्नेबल का मतलब आप कंटेनर बाद में रिटर्न करोगे तो आपने जो 1,000 रुपीज दिया था वो वापस मिल जाएगा, तो वापस मिल जाएगा तो मेरा कॉस्ट ही नहीं है कि नहीं? नॉट टू बी एडेड, जब कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट में जोड़ेंगे नहीं ऊपर, है कि नहीं? थर्ड, पार्शियली रिफंडेड, पार्शियली रिफंडेड का मतलब आप 1,000 रुपया दे के कंटेनर को लेके आए थे, बट आपको पता है बाद में कंटेनर रिटर्न करते टाइम सिर्फ 700 रिफंड मिला, 300 चार्जेस कट गए। तो जब 300 चार्जेस कट गए तो वो 300 कॉस्ट में जुड़ोगे, तो टोटल कॉस्ट 1,000,
रिटर्न कितना मिला? 700 वापस मिल गया, तो जो 300 है ना वही तो है कॉस्ट, तो 300 टू बी एडेड टू कॉस्ट। ऊपर टोटल कॉस्ट निकालते टाइम, ये टोटल कॉस्ट निकालते टाइम आपको जोड़ना है। यूनिट को लेके मैंने लिखा है एक नोट्स, आओ जरा यूनिट्स, जो यूनिट है ना वो कैसे निकालोगे? टोटल यूनिट्स, अगर साउंड में कोई डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा बाहर कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है तो थोड़ा सा साउंड में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। माइनस नॉर्मल लॉस, माइनस प्रोविजन फॉर नॉर्मल लॉस। चल, टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट, या फिर कुछ प्रोविजन है नॉर्मल लॉस घटाने के बावजूद तो प्रोविजन भी घटाते हैं। क्या होता है नॉर्मल लॉस देखते हैं जरा। मटेरियल लॉस जो होता है ना देखो मैं आराम आराम से इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ चैप्टर में कि आगे चैप्टर जब पढ़ाऊंगा अच्छे से तो वहां पे चीजें कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो। ठीक है, मैं फटाफट भगा भी सकता हूँ पर मेरा ऐसा मकसद नहीं, एक एक चीज आप क्लियरली पढ़ो। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने आए हो, इसमें अगर डेप्थ एनालिसिस करके नहीं पढ़ा, एक एक चीज समझ के नहीं पढ़ा, फिर क्या पढ़ा बताओ? एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस करोगे तो होगा, सब बिजनेस का अपना अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लॉस का मतलब वो लॉस कि इतना तो होगा होगा अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरिसेबल आइटम को बिजनेस करेंगे तो कुछ आइटम खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं फल का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, रिलायंस ट्रेड में फल बिकते हैं ना, वेजिटेबल बिकते हैं, तो क्या हमेशा पूरे बिक जाते होंगे कि कभी खराब भी हो जाता है? नहीं, बिकने पे खराब भी हो जाता होगा, दैट इज नॉर्मल लॉस। जितना जितना वो सोच के चलते होंगे कितना तो खराब हो जाता है, दैट इज नॉर्मल लॉस, है कि नहीं? मान लो कोई केमिकल का, पेट्रोल का बिजनेस कर रहा है, केमिकल का बिजनेस कर रहा है, एनीथिंग जो इवापोरेट हो सकता है तो थोड़ा बहुत इवापोरेट हो जाता होगा, दैट इज नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का मतलब ओवर एबव नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से ज्यादा जो लॉस हो गया ना, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल देखो मान लो मैं ग्लास का बिजनेस करता हूं, तो ग्लास कई बार थोड़ा बहुत फूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, है कि नहीं? 100 यूनिट जब भी मैं लेके आता हूं तो मुझे 5% नॉर्मल लॉस हो जाता है। नॉर्मल लॉस का मतलब कुछ ग्लास नॉर्मली कि इतना तो फूट ही जाते हैं, तो 95 मिलने चाहिए ना 5% लॉस हो गए, बट मुझे मिला 85, 15 आइटम लॉस हो गया। ठीक है, 15 आइटम ब्रोक हो गया, तो वहां पे ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, 10 आइटम ज्यादा लॉस हो गया ना, दिस इज अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस का मतलब जो 10 आइटम है ना, नॉर्मल लॉस हटाने के बावजूद कुछ एक्स्ट्रा लॉस जो हो जाता है, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मिटा दो इसको। देखो नॉर्मल लॉस जो है ना, ये सिंस हमारा बिजनेस का पार्ट है, हम इस खर्चे को कस्टमर पे डाल देते हैं, ये खर्चा भी हम कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। रिकवर्ड फ्रॉम गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स का मतलब वो आइटम जो बच गए उनको बेच के रिकवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये क्या करते हैं, डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल में खर्चा लॉस बुक कर लेंगे क्योंकि हमारा लॉस है। ठीक है, मान लो ज्यादा आइटम फूट गए तो उसका पैसा कोई कस्टमर थोड़ी ना देगा, हम अपनी चीजें महंगी कर दे इस वजह से क्योंकि हम लेके आए थे तो बहुत सारा लॉस हो गया था, बहुत सारा आइटम ब्रोक हो गया था, तो बचे हुए आइटम बहुत महंगा बेचेंगे तो कोई कस्टमर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम जो लॉस आइटम है उसका भी कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर से। पर ये क्यों चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सब लोग चार्ज कर रहे होंगे ना, कोई भी इंसान कोई बिजनेस कर रहा है उसमें जो नॉर्मल ड्यू टू दैट बिजनेस जो लॉसेज हो रहा है वो तो चार्ज कर ही रहा होगा कस्टमर से। चलो अब देखो, जब हम यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट घटा देते हैं
तो यूनिट हो जाते हैं कम, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, जो टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये घटने की वजह से यूनिट कम हो गया ना, तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें जब प्रॉफिट जोड़ के आप उसको सेल करोगे तो आप कस्टमर से वो अमाउंट रिकवर कर लिए, है कि नहीं। चलो समझ में आया। अच्छा सॉरी इरेज नहीं करता हूँ किसी बच्चे को लिखना हो सकता है। क्वेश्चन देखे जरा, ये आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो मुझे कराने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर लेंगे अभी बात करते करते। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 32 इंटर इन स्टोर लेजर। खरीद के लेके आते हैं ना, जब स्टोर में रखते हैं वहां पे एक स्टोर लेजर होता है जो कॉस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, ठीक है। कह रहा है किस इस आइटम को जो हम खरीद के लेके आए किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, यानी कि मटेरियल कॉस्ट निकालने को बोल रहा है आपको। देखो 200 यूनिट 5 ग्रेड से परचेज किया, ये क्या है परचेज प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट घटा दिया 20%, कुछ ना बोला, देखते हैं आगे कोई डिस्काउंट के बारे में दिया है। फिर जीएसटी जोड़ा यहाँ पे 896 हो गया। पैकिंग चार्जेस जोड़ा, पैकिंग चार्जेस क्या है, नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेज, रिटर्न नहीं कर सकते, कंटेनर का कॉस्ट में पढ़ाया था जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी में क्या पढ़ाया था, जीएसटी में पढ़ाया था अगर क्रेडिट अवेलेबल हो तो उसका कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे। देखो जरा, डॉक्यूमेंट सस्टेनिंग पेमेंट ऑफ सीजीएसटी इज इनक्लोज फॉर क्लेमिंग क्रेडिट, क्रेडिट मिल जाएगा बोल रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब है, तो ये तो कॉस्ट में नहीं लोगे ना, ठीक है, तो ये कॉस्ट में नहीं लोगे। दूसरा ये क्या है, 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवेन इफ पेमेंट इज मेड, कैश डिस्काउंट घटाने को मैंने पढ़ाया था, नहीं, कैश डिस्काउंट कहाँ जाता है पीएल में जाता है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या घटाते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो कि ऑलरेडी यहाँ घटा हुआ है, तो कैसे लिखोगे, 1000 में से 200 डिस्काउंट घटेगा 800 और उसमें सिर्फ पैकिंग चार्जेस जुड़ेगा 50 पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखो 850 तो टोटल कॉस्ट है, पर यूनिट निकालना हो तो डिवाइड कर दोगे यूनिट से, यूनिट कितना है 200, तो 850 डिवाइड बाय 200 ये आएगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं पूछा क्या है, कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ इच केमिकल, ठीक है, दो केमिकल है यहाँ पे, केमिकल ए केमिकल बी, ठीक है, दोनों का परचेज प्राइस दिया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगता है, ठीक, तो इस पे भी 10%, इस पे भी 10%, दोनों का जोड़ के लिख दिया है कि नहीं, इसका 10% 10,000, इसका 10% 10,400, दोनों को जोड़ के 20,400। क्रेडिट नॉट अलाउड, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो रेलवे फ्रेट, अब रेलवे फ्रेट टोटल में तो दिया है पर ए में कितना लगा बी में कितना लगा ये नहीं दिया है। चलो आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले एक नोट्स लिखो, अभी जो ऊपर नोट लिख रहे थे उसके कंटिन्यूएशन में, कोई खर्चा कर दे दो प्रोडक्ट का कंबाइन करके और बताए ना दोनों में कितना कितना है, जैसे हमारे क्वेश्चन में फ्रेट दिया है, तो हम कैसे बांटेंगे दोनों प्रोडक्ट पे। तो देखो फ्रेट आपको क्वांटिटी के बेसिस पे बांटना चाहिए, क्यों, जितना ज्यादा आइटम है जिसमें उसकी फ्रेट चार्ज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज उतना ज्यादा लगेगा, जो जितना कम वॉल्यूम का छोटा मोटा आइटम है उसका ट्रांसपोर्टेशन में उतना कम खर्चा होगा,
इंश्योरेंस, परचेज प्राइस के बेसिस पे बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो जितना महंगा आइटम होगा ना, उसका इंश्योरेंस उतना ही महंगा होगा कि नहीं? जो जितना सस्ता आइटम है, उसका इंश्योरेंस उतना ही सस्ता होगा, कंपनसेशन सस्ता होगा। तो प्राइस के बेसिस में इंश्योरेंस नहीं है क्वेश्चन में दिया होता तो। थर्ड, मान लो CGST सीधा CGST दे देता है एक अमाउंट। अभी तो रेट दिया हुआ है 10%, तो आप पता कर लोगे इसका 10% ए का कितना, बी का कितना। अमाउंट में दिया होता बताना, रेट नहीं बताता, तो आप कैसे बांटते CGST को दोनों में? ये भी परचेज प्राइस के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि देखो, जीएसटी तो वैल्यू पे ही लगती है ना। जो ज्यादा वैल्यू का होगा उस पे जीएसटी ज्यादा लगा होगा, जो कम वैल्यू का होगा उस पे जीएसटी कम लगा होगा। एज्यूम करते हैं कि रेट दोनों में सेम लगी है। चलो ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अब शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी, क्या लिखोगे? पहले तो टोटल कॉस्ट निकालोगे, परचेज प्राइस इसका 1 लाख है, 1,04,000। इसमें ऐड करोगे CGST 10%, सीधा 10% दोनों का निकाल के लिख दो। वैसे बांटते भी तो किस इस रेशियो में बांटते, प्राइस किस रेशियो में बांटना है प्राइस के, तो इतना ही आता। फ्रेट, फ्रेट कितना है? 3840। किस रेशियो में बांटोगे? क्वांटिटी के रेशियो में। अभी पढ़ा है मैंने, क्वांटिटी क्या है? ए है 10,000, दिख रहा है आपको, एंड बी है 8,000, 10:8 के रेशियो में दिया जाएगा टोटल कॉस्ट। बताओ, टू 2133 राउंड अप कर देते हैं, 0.33 आ रहा है, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आप राउंड अप कर सकते हैं। ये तो टोटल कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट पर यूनिट के लिए, यूनिट भी डिवाइड करना है। यूनिट कैसे निकलेगा अभी अभी बताया हूँ। फिलहाल इसको लॉक करते हैं, ठीक है, ए बोल देते हैं कि ये ए है अपना टोटल यूनिट। इसमें 10,000 है, इसमें 8,000 है, इसमें से क्या घटाओगे? नॉर्मल लॉस यूनिट्स। चलो, नॉर्मल लॉस कितना है? 5,000 ए का, 320 बी का। इन केमिकल इज नोटिसेबल ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। ठीक है, ये घटेगा 9,500 से आएगा, ये घटेगा 2% है तो हाँ, 2% प्रोविजन फॉर डेट्रीएशन, फर्दर डेट्रीएशन मतलब प्रोविजन फॉर फर्दर नॉर्मल लॉस। समझ
सीधा मैं लिख देता हूँ 9310 हटाने के बाद, यूनिट्स लिख देते हैं, ये है बी, और कॉस्ट पर यूनिट ए डिवाइड बाई बी है कि नहीं। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करना है, यूनिट ये रहा। चलो ठीक है, चलो। अच्छा यहाँ पे फिल कर लेना आप जो भी आए, 9500 माइनस 9310, 190 आ रहा है इसमें, वैसे उसमें डाल लेना। ठीक है, चलो। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉस्ट पर यूनिट पे, बट वो अभी आपसे नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें और भी कंसेप्ट मिल के आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि ईओक्यू भी साथ में पूछा था। ये आरटीपी नवंबर आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ओल्ड कोर्स में। ठीक है, नवंबर के आरटीपी ओल्ड कोर्स में, नवंबर 19 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये अटेम्प्ट में आपको दिखेगा, 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में तो नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन थोड़ी लेंदी है, दो प्रोडक्ट का है, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा। करेंगे इसको आगे ईओक्यू पढ़ने के बाद, आगे चलते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है बताओ, हमने ये पढ़ लिया मटेरियल कॉस्ट, अब कॉस्ट कंट्रोल के टेक्निक पढ़ते हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 टेक्निक है, बारी बारी पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। चलो पहला क्या हो गया, अपना सेकेंड टॉपिक शुरू हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। देखो ये जो है ना कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या सर्विस इंडस्ट्री में। कंपटीशन अगर आपको करना है ना तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बेस्ट प्राइस पे अपनी प्रॉफिट बनाते हुए बेस्ट सर्विस देने वाले ही बिजनेस टॉप पे है, समझ रहे हो। पहले जमाने में ऐसा होता था कि कोई ब्रांड फेमस हो गई, लोग बहुत साल वो ब्रांड चलता था, भले ही अपने आप को अपडेट ना करे, कॉस्ट सेविंग ना करे, कम कॉस्ट में बेहतर से बेहतर सर्विस ना दे, पर अब ऐसा नहीं है। वैसे अगर ब्रांड है कोई तो उसको पीछे छोड़ के कभी ना कभी कोई और ब्रांड आ जाएगा। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए कि कुछ ना कुछ एडवांटेज हो आपको, जो आपकी कंपिटिटर से आपको बेहतर एडवांटेज दे रहा है, कॉस्ट सेविंग बेहद जरूरी है। अभी देखो लैपटॉप के कौन कौन से ब्रांड आते हैं, तो आई थिंक डेल आता है, HP आता है, लेनोवो आता है, मैक आता है कि नहीं, बहुत सारे ब्रांड है। बट इन ब्रांडों में देखो कंपटीशन कितनी है, सेमी प्राइस पे कोई बोलता है हम इतने GB रैम दे रहे हैं, तो कोई बोलता है हम इतने GB रैम दे रहे हैं। ठीक, तो सेम फीचर बेहतर से बेहतर कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे अगर आप लेके आते हैं तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, बेहतर कंपटीशन कर पाएंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल बेहद जरूरी है, समझ रहे हो। विदाउट कॉस्ट कंट्रोल, अगर आप ही सोच के देखो, कोई कस्टमर जो सेम चीज है
विथ सेम यूटिलिटी, विथ सेम बेनिफिट कहीं और से सस्ते में ले सकता है, तो आपसे क्यों लेगा, है कि नहीं? तो कॉस्ट कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और खर्चे लगते कहाँ हैं? मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड में, इन्हें तीनों तीनों कैटेगरी में आप खर्चे को बांटते हो ना, इन्हीं तीनों तीनों पे चैप्टर है आपका, मटेरियल पे मटेरियल चैप्टर। इसमें मटेरियल कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे देखेंगे, लेबर पे लेबर कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे, ओवरहेड पे ओवरहेड कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है? तो कॉस्ट कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं छोटा सा स्वीट सा इन्वेंटरी कंट्रोल रेशियो पे देखते हैं। देखो है कॉन्सेप्ट बड़ा ही छोटा, एंड मजे की बात बताऊं क्वेश्चन आया भी है, यहां से शुरू करते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल रेशियो देखो, एक होता है होल्डिंग पीरियड, फुल लिखते हैं इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, एक होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। पहले मीनिंग समझते हैं। होल्डिंग पीरियड का मतलब जिस दिन भी मैं मटेरियल खरीद के लेके आ रहा हूं, जिस दिन मैं प्रोक्योर कर रहा हूं, उस दिन से लेके मान लो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं फिनिश गुड्स, तो ऑब्वियसली उसको यूज करूंगा। और जिस दिन मैं लेके आया उस दिन से यूज करते टाइम मटेरियल, या फिर मैं सेल करता हूं फर्दर, तो सेल करते टाइम तक वो जो फेज है ना, साइकिल है ना, जितने दिन मटेरियल मेरे पास रह रहा है, दैट इज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ठीक है? दैट इज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। जितने दिन तक हम इन्वेंटरी को होल्ड कर रहे हैं, लाने से लेके फर्दर, ताकि सेल कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करने तक टाइम तक तो होल्ड ही कर रहे हैं इन्वेंटरी को, तो इसको बोलते हैं इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ठीक है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये जो साइकिल है कि लाने से लेके यूज करने या सेल करने तक का, ये साल में कितने बार होता है, इसको बोलते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है? मान लो मेरा होल्डिंग पीरियड 90 डेज है कि मैं इन्वेंटरी लाने से लेके बेचने तक 90 दिन का लगता है मुझे समय, तो साल में ये कितने बार होगा? एक बार लाऊंगा 90 डेज, फिर दूसरा इन्वेंटरी लाऊंगा 90 डेज, फिर तीसरा लाऊंगा 90 डेज, 270 डेज हो गए, फिर अगली बार लाऊंगा 90 डेज, 360 डेज हो गए। मान लेते हैं साल में 360 डेज है, तो चार बार होते हैं ना ये साइकिल, कैसे निकला? 365 डिवाइड बाय इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, है कि नहीं? सिंपल है। चलो अब देखते हैं थोड़ी सी फॉर्मूला। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड का, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, एक तो ये है मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है? मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग जितना था परचेज करके लाए तो वो और ऐड हो गया, इतना है अपने पास, माइनस क्लोजिंग में कुछ बचा है, तो बचा हुआ मटेरियल क्या हो गया? ओपनिंग प्लस परचेज, मान लो ओपनिंग 10 था, परचेज करके 90 ले आए, सब अपने पास था, पर अपने पास रह गया बस लास्ट में 20, तो 80 क्या हो गया? 80 कंज्यूम्ड हो गया, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा दूसरा, एवरेज इन्वेंटरी किसी भी पीरियड में निकालना हो तो क्या करेंगे? उस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे
क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे, आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, एन डिवाइड बाई टू, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझ में आया, होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला है 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आईटीआर मत लिख देना, आईटीआर जो फाइल करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखो, चलो मैं भी लिख देता हूँ, पता चले आप ऐसे ही लिख लिए बाद में आपको याद नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा था। हमने देखा था ना कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला ये भी है, इसी को ब्रेक करोगे तो कि 365 डिवाइड बाई होल्डिंग पीरियड है ना, तो होल्डिंग पीरियड कैसे निकलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, होल्डिंग पीरियड कैसे निकलेगा, 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कि नहीं। होल्डिंग पीरियड मतलब कितना दिन अपने पास रहता है वो मटेरियल, टर्नओवर मतलब ये साइकिल कितने बार चलता है साल में, ले आने से लेके सेल करने तक का, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, दो मटेरियल है एम एंड एन, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज भी दिया है, मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, यस, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, एवरेज इन्वेंटरी निकल जाएगा, यस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, अभी तो पढ़े। इन्वेंटरी टर्नओवर निकालिए, मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंटरी। दूसरा, विच वन इज फास्ट मूविंग, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, यहीं पे कर देता हूँ शॉर्टकट में, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, ठीक है, पहला मटेरियल, कर लेते हैं नोटबुक में, एक क्वेश्चन तो है, मटेरियल एम है, मटेरियल एन है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, इससे आता है मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर हम लिखेंगे एवरेज इन्वेंटरी, चलो इतना डेटा रखते हैं, ओपनिंग क्या है 6 लाख, क्लोजिंग क्या है 4,50,000, परचेज कितना है 9,50,000। सिमिलरली ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग 7,25,000, परचेज कितना है, अभी मैंने कुछ बस डेटा लिखा है, ठीक है, चलो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड, बताओ जरा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टू है ना, बताओ 6 लाख प्लस 4,50,000 डिवाइड बाय टू, इधर 10 लाख प्लस 7,25,000 डिवाइड बाई टू,
ये ए है, ये बी है, सी में इन्वेंट्री टर्नओवर, मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा? दूसरे बताओ, मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। होल्डिंग पीरियड निकालो, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड लिखना पूरा, ठीक है? ये कैसे निकलता है? बोला है क्वेश्चन में कितना डेज लेना है। हाँ, क्वेश्चन में बोला है 360 डेज इन ईयर लेना है, ठीक। तो 360 लेना है ना, दूसरे में पूछा है कि इनमें से कौन सा फास्ट मूविंग आइटम है। फास्ट मूविंग स्लो मूविंग का मतलब कौन सा आइटम है जो कम दिन हमारे पास रहता है, आता है फटाक से चला जाता है, बताओ। ये 172 डेज लगते हैं आने से लेके आगे मेरे बेचने तक, जाने तक, ठीक है, और ये सिर्फ 146 डेज लगता है। तो फास्ट मूविंग कौन है, कौन से फटाफट जा रहा है? ऑब्वियसली एन इज अ फास्ट मूविंग। कंक्लूजन में लिखते ना, ये एन क्या है, फास्ट मूविंग। क्यों? क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड कम है। होल्डिंग पीरियड कम यानी कि टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, बार बार आता है जाता है। चलो, पहला टॉपिक खत्म हुआ अपना कंट्रोल रेशियो में। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है ईओक्यू, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में सेकेंड टॉपिक क्या है, ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। जब भी हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं ना, तो मटेरियल कॉस्ट में तीन चीजें जुड़ी होती है, ठीक है। अभी हम बेसिक देख रहे हैं इसका। एक परचेज प्राइस, ये मटेरियल कॉस्ट को चेंज कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम देखेंगे कितने क्वांटिटी में अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर करें। मान लो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है कि मुझे 40,000 केजी मटेरियल चाहिए, पर तरीका है एक तो कि एक ही बार में मंगा लूँ 40,000 केजी। दूसरा क्या तरीका है, हाफ हाफ करके मंगा सकता हूँ 6-6 महीने में। तो कितना क्वांटिटी मुझे एक बार में ऑर्डर करना चाहिए, ये पढ़ने जा रहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो, मटेरियल कॉस्ट जहां पे सबसे कम आए ना, जितना हमें ऑर्डर करने से सबसे कम मटेरियल कॉस्ट आए,
उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उतना ही करना चाहिए हमें ऑर्डर। पर मटेरियल कॉस्ट में तीन चीजें जुड़ी होती है, एक परचेज प्राइस, देखो अब एक बार ऑर्डर करो या 10 बार ऑर्डर करो, परचेज प्राइस सेम है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा परचेज प्राइस से। पर मान लो आप ज्यादा ऑर्डर करते हो तो डिस्काउंट मिलती है, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा ना। कम कम ऑर्डर करोगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एक बार में ज्यादा ऑर्डर करोगे डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज प्राइस तब रिलीवेंट है जब हमें डिस्काउंट मिल रही है कि नहीं। अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिल रही है तब तो आप एक बार ऑर्डर करो, 100 बार ऑर्डर करो, थोड़ा थोड़ा खरीदो, एक बार में खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40,000 kg खरीदना है, मान लेते हैं 10 का रेट है तो 4 लाख ही आपको पड़ेगा। एक बार में खरीदिए तब भी 4 लाख, 10 बार में खरीदिए तब भी 4 लाख, डिस्काउंट तो मिलना नहीं है। सेकेंड जो रिलेटेड कॉस्ट है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, जब भी मटेरियल खरीदते हैं तो ऑर्डर करते हैं, टेलीफोन करना पड़ेगा, फ्रेट लगेगा बार बार लाने जाने में, तो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो जितने ज्यादा बार ऑर्डर करोगे उतने बार लाना पड़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, कम बार ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे निकालना हो, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को मान लो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ही लिखता हूं, और यहां पे लिख लेते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मुझे निकालना हो तो कितने बार ऑर्डर कर रहे हैं और एक बार ऑर्डर करने में कितना खर्चा लगता है। ठीक, अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? तो एनुअल रिक्वायरमेंट, कितनी बार साल में कितना क्वांटिटी मुझे मंगाना है, डिवाइड बाई रीऑर्डर क्वांटिटी। मैं कितनी बार मंगाता हूँ, मान लो कि मुझे 10,000 मंगाना है पूरी साल में, अब मैं एक बार में 2,000 मंगाता हूँ तो कितनी बार मंगानी पड़ेगी? 5 बार, 2,000 2,000 करके, तो ये कैसे आएगा? 10,000 एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई कितना मैं एक बार में मंगाता हूँ, 2,000, दैट इज 5, है कि नहीं? तो ये ऐसे आएगा, समझ में आया? चल अगला होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट। लेके आओगे, स्टोर करोगे, रखोगे, प्लस उसमें जो पैसा फंसा है तुम्हारा इन्वेंट्री में उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ये सब भी तो कॉस्ट लग रहा है ना। हो सकता है एक प्रॉपर स्टोर गोदाउन लेना पड़े उसको रखने के लिए, गोदाउन में रखोगे तो उसका रेंट लगेगा, है कि नहीं? रखे रखे कुछ आइटम बहुत पुराने रखे रखे हो गए, खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, वो लॉस। तो ये सारी चीज कैरिंग कॉस्ट में आता है। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? स्टोरेज, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, जो पैसा उसमें फंसा है कहीं से लेके आए होगे लोन से, उसका इंटरेस्ट, नहीं लेके आए होगे अपना लगाए होगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ऑब्सलेट आइटम रिटेन ऑफ, कोई आइटम खराब हो गई रखे रखे वो भी लॉस हो गया। ठीक है, तो हम इन तीनों कॉस्ट को ध्यान में रख के एक ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट जोड़ने के बाद मटेरियल कॉस्ट सबसे कम आएगा। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने पे सबसे सस्ता पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट, कंसिडरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे टू वेराइटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला, कैरिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट,
दूसरा प्राइस जब चेंज हो रहा होगा, तो कब चेंज होता है? केस ऑफ डिस्काउंट, जब क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हो। अब बताओ, प्राइस अगर कांस्टेंट है, डिस्काउंट नहीं है क्वेश्चन में, नो डिस्काउंट, एक ही प्राइस दिया है, तो प्राइस जब कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट से फर्क पड़ता है। प्राइस तो सेम है, आप एक बार मंगाइए, 10 बार मंगाइए, कोई डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा है, तो पूरे साल में जितना आइटम मंगाना है उसका कॉस्ट तो उतना ही लगेगा, पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट से फर्क पड़ेगा। पर प्राइस भी अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तब तो हमें तीनों को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। प्राइस कांस्टेंट है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मेथड से आप निकाल सकते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO डिवाइड बाई सी। ए मतलब, पहले ये पढ़ते हैं फिर यहां पे आएंगे। ए मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल ही खरीद रहे हैं ना, मान लो फिनिश गुड्स दिया हो तो रॉ मटेरियल पता करेंगे, रॉ मटेरियल कितना चाहिए हमें उसको बनाने के लिए। और एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हो रॉ मटेरियल का, और परचेज, तब कौन से क्वांटिटी पे निकालेंगे? परचेज, है ना। ऑर्डर करके लाए जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो टोटल परचेज क्वांटिटी पे लगा ना जितना खरीद के लाए। कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, रखने का खर्चा, जिसमें पैसा फंसा है वो खर्चा, वो तो टोटल जितने खरीद के लाए उस सब पे लगा ना, भले आप कंज्यूम करो ना करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये दिया होगा क्वेश्चन में कि फ्रेट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है करके। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमेशा कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट का दिया होता है, एक यूनिट में इतना लगेगा, तो ऑन एन एवरेज जितना यूनिट हमारे पास होते हैं ना, उससे इंटू करके हम टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, अभी देखेंगे, ठीक है। अगर ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज किस पे अप्लाई करते हैं? परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस का परसेंटेज है वो, परचेज प्राइस से इंटू करके निकाल लेंगे अमाउंट में। और कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या होता है? स्टोरेज, इंटरेस्ट का खर्चा, ऑब्सोलेट आइटम्स, रिटर्न ऑफ का खर्चा, ये सब, होल्डिंग कॉस्ट बोल दिया। चलो ये यहां हमने देखा है। अच्छा, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऐसे निकलेगा, टोटल परचेज प्राइस तो ऐसे निकलेगा कि एनुअल डिमांड जितना हमें खरीदना है इंटू परचेज प्राइस से इंटू कर देंगे तो टोटल परचेज अमाउंट आ जाएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऐसे आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू पर ऑर्डर कितना लगता है। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो कैरिंग कॉस्ट हमें पता है कैसे होता है, पर यूनिट दिया होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर पर मंथ दिया तो इंटू 12 करके पर एनम निकालेंगे, इंटू हाफ ऑफ ईओक्यू। वैसे हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं इसको, आरओक्यू। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना मंगा रहे हैं, पर सिंस हम ईओक्यू मंगाते हैं ना, ईओक्यू मतलब इतना मंगाना चाहिए, आरओक्यू रीऑर्डर मतलब इतना मंगाते हैं, तो जनरली इस क्वेश्चन में, ईओक्यू के क्वेश्चन में हम मान के क्या चलते हैं कि जितना मंगाना चाहिए जितना मंगाते हैं वो सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाफ ऑफ ईओक्यू लिखता हूं। आगे इन्वेंट्री लेवल में ये चीज मैं पढ़ाऊंगा, इन्वेंट्री लेवल में कंफ्यूज नहीं होना है। हम ईओक्यू जितना ही मंगाएंगे, इसीलिए तो ईओक्यू पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हाफ ऑफ ईओक्यू, समझ में आया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, फिर आएंगे ये। इसके लिए हमें कौन सा मेथड पढ़ना है? टेबुलर। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो फॉर्मूला मेथड है ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल और कैरिंग कॉस्ट टोटल इक्वल होते हैं। आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाले हो ना क्वेश्चन में, कैरिंग कॉस्ट उतना ही लिख सकते हो। अब देखोगे सारे क्वेश्चन में मैं ये चीज दिखा दूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आ रहा है ईओक्यू पे,
क्योंकि ये फॉर्मूला ही इस कंसेप्ट पे ब्रेक होके बना है। कैलकुलेट ईओ क्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तीनों आते हैं। अभी हमने देखा मटेरियल कॉस्ट में फिगर बना के, ठीक है। इसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं बिकॉज मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात यहाँ हो रही है। मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी बोल देता है। एनुअल डिमांड ये ए है 5000, यूनिट प्राइस परचेज प्राइस है 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 16। अच्छा, स्टोरेज, इंटरेस्ट रेट एंड ऑब्सोलेट, पता है ये कैरिंग कॉस्ट में आते हैं, तो ये तीनों जोड़ दोगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 12 प्लस 6 प्लस 2%, दैट इज 12 प्लस 6 18, 20%। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में निकालना हो तो किसका परसेंटेज होता है? अभी पढ़ाया हूँ, नोट देखो, वापस जाओ नोट देखो। पहले परसेंटेज जो दिया होता है परचेज प्राइस पे अप्लाई करना है। अपने केस में परचेज प्राइस क्या है? 20, 20 का 20% 4 रुपीज। आ जाओ नोटबुक पे, आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन है? आपके इंस्टीट्यूट का बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ, ये तो आपको दिया है, गिवन है ना। आप पूरा लिख लेना एनुअल डिमांड पूरा फुल फॉर्म में, परचेज प्राइस में शॉर्टकट में लिख दिया हूं यहाँ पे। वन नंबर में क्या पूछा है? ईओ क्यू, ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या है? 2AO डिवाइड बाई सी, करेक्ट। 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना है? 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 16, कैरिंग कॉस्ट कितना है? 4, रूट ओवर। बताना यूनिट्स। और दूसरा क्या पूछा है? वेरिएबल कॉस्ट। उसी में वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मटेरियल कॉस्ट, जिसमें परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग, कैरिंग तीनों होते हैं। परचेज प्राइस पूरे साल में 5000 खरीदना है, 20 रुपए का रेट है, 5000 इंटू 20 1 लाख। ऐड करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है बताओ? टोटल साल में 5000 खरीदने हैं, ए एनुअल डिमांड डिवाइड बाई, मैंने क्या पढ़ाया था? ईओ क्यू, ठीक है। फॉर्मूले में याद करो, नंबर ऑफ ऑर्डर एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ए डिवाइड बाई ईओ क्यू, या फिर आर ओ क्यू इसको बोल सकते हो आप। पर यहाँ पे हम ईओ क्यू जितना ही मंगा रहे हैं ना, रीऑर्डर क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो रीऑर्डर क्वांटिटी लिखो। कितना है? 200 इंटू पर ऑर्डर कितना? 16 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो हाफ ईओ क्यू इंटू हाफ ऑफ ईओ क्यू का मतलब होता है एवरेज इन्वेंट्री, इतना ऑन एन एवरेज रहता होगा, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 4। जरा बताओ, 5000 डिवाइड बाई 200 इंटू 16, 400, ये भी 400 आएगा, ये 1,800,000 आएगा। चलो बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी सर? आपने हमें बताया था कि जहां सिंगल प्राइस दिया हो, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा एक प्राइस दिया, सब दे दिया। डिस्काउंट के क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस देगा,
इतना ऑर्डर करोगे तो इतना प्राइस, इतना ऑर्डर करोगे तो इतना प्राइस, इतना ऑर्डर करोगे तो इतना प्राइस, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो सिंगल प्राइस फॉर्मूला मेथड में, जो फॉर्मूला मेथड है 2AO/C, वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आते हैं। दूसरा, अच्छा, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब वही मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वुड रिजल्ट इफ इनकरेक्ट प्राइस 12.8 इज यूज्ड। कह रहा है अब 20 रुपया जो परचेज प्राइस था ना, उसके बदले 12.8 यूज कर लो, फिर बताओ कितना आएगा। कर देते हैं बी नंबर। रिवाइज्ड परचेज प्राइस कितना है? 12.8। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20% 12.8 का, दैट बिकम्स 2.56। तो ईओक्यू कितना आएगा? 2AO/C। दो से 50 यूनिट्स। अब फिर बता रहा है, पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल कॉस्ट बोले, वेरिएबल कॉस्ट बोले, मटेरियल कॉस्ट बोले, सेम परचेज प्राइस, ये तो सेम ही रहेगा। 5000 × 12.8, बस प्राइस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम तो 5000 का 5000 मंगाएंगे ना, पूरे साल में हमें 5000 चाहिए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 5000 मंगाते हैं पूरे साल में, डिवाइड बाई एक बार में कितना मंगाते हैं, 250। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, कितनी बार मंगानी पड़ेगी, × 16। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो कि है 2.56 इंटू हाफ ऑफ ईओक्यू। अब ईओक्यू कितना आया? 250। ये भी 320 आएगा। फॉर्मूला मेथड से आया हुआ ईओक्यू हमेशा ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट सेम देता है। तो 64,640। चलो आगे आते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं या फिर चलो आज के लिए आपको ब्रेक देते हैं। ठीक है, क्योंकि ईओक्यू में बहुत क्वेश्चन मुझे कराने हैं, नहीं भी तो फॉर्मूला मेथड में अभी 8 क्वेश्चन करेंगे, फिर टेबुलर मेथड पे आएंगे, वहां पे मुझे 6-7 क्वेश्चन कराने हैं। टोटल ईओक्यू पे 15 क्वेश्चन है, आज खत्म नहीं हो पाएगी, वीडियो हो जाएगा काफी लंबा। कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे करते हैं ईओक्यू को कंटिन्यू, एंड उसके बाद हम इन्वेंटरी लेवल शुरू करेंगे। ठीक है, ईओक्यू के बाद क्या शुरू करेंगे? इन्वेंटरी लेवल। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।